Komalatu, thank you. Komalatu, thank you. Thank you. चलो ठीक हो गया. हमने जो टीचर्स रखी हुई थी ना वो इतना अच्छा सिखाती नहीं थी कि लेडीज जो है वो आगे काम नहीं कर पाती थी. फिर मैंने तंग आके मैदान में खुद उतरी कि मैंने जिस तरह अपने दिल की फीलिंग से सिखाना है कोई और तो नहीं सिखा सकता. कोई अपने बच्चों के लिए सीखता है, मेरी माशाल्लाह दो बेटियां हैं, ये उनकी ड्रेसिंग के लिए सीखनी है ताकि घर के अखराजात बहुत ज्यादा. अच्छा, इनकी दो बेटियां हैं और हस्बैंड क्या करते हैं? आपने कुछ भी नहीं करते हैं, बिल्कुल कोई काम नहीं करते हैं. क्या वजह है? महंगाई को छोड़ के और चीजें भी बड़ी हैं, फैमिलियों में बड़े मसले बन गए हैं. आज जब घर में पैसा नहीं हुआ तो लड़ाइयाँ बन गई. बच्चों की फीस देखे 50-50 हज़ार, 40-40 हज़ार पढ़ाई से, और कहते हैं मुफ्त तरीम हासिल करे, पता नहीं कितना मुफ्त तरीम दे रही है. एक नया और काम हो सब देख ली, वो कोई ना कोई फल भेज देते हैं, जी बंस ले आए, ये चीज ले आए, वो गरीब भी मसले शुरू. हाँ, ये बात वो बड़ी अजीब मुसीबत है. देखते रहते हैं. अच्छा, 12-13 साल हो गया तो मतलब सादे सूट सीखते हैं या मतलब डिजाइनिंग वाले? नहीं, हर किस्म की चलती है लेकिन वो कुछ अरसे बाद बैच चेंज होता रहता है ना. अच्छा, अब ये फ्रेश आया हुआ 5-6 माह. अच्छा अच्छा, ठीक हो गया. तो मतलब मुझे कोई डिजाइन इनके हैं जो मतलब लोग अगर सिलवाना चाहें? हाँ, उसके कोई चार्जेस वगैरह भी हैं? जी बिल्कुल है, अगर चार्जेस लोग देंगे तो बहुत अच्छी बात है कि इन बच्चों को जो है हौसला अफजाई मिलेगी और वो आगे काम कर सकेंगे अपना इन फ्यूचर के लिए. देखिए, फाउंडेशन में ना शीजा ने काम बड़ा अच्छा किया हुआ है. इसने सिलाई के लिए फीमेल जो नीडेड है, जिनको जरूरत है, मतलब भीख मांगने से या गलत काम करने से बेहतर है हम बिल्कुल अपना जो है वो प्रोफेशनली काम करें और अपना और अपने बच्चों का, अपने घर वालों का जो है वो सर्वाइव करें और उनका अर्न करें और उनको कमाएं और उनको घर वालों को जरूर खिलाएं. दिखाएंगे ये आज तो आधी से ज्यादा क्लास चुकी है क्योंकि अचानक प्रोग्राम आपका बना और बस फिर बहुत सारे लोग जो है वो छुट्टी पे थे. अच्छा, तो इस तरह से है कि मैं हमेशा जब भी आती हूँ शीजा के पास, चाहे थोड़ी देर के लिए आऊँ चाहे साल बाद आऊँ, शीजा बहुत प्यार देती है मुझे, बहुत ही प्यार से मुझे बुलाती हैं, फिर मुझसे इनकार नहीं होता और बड़ी इज्जत करती हैं. खाना पीना तो मैंने खाना, तो जाते हुए चाय भी पीऊंगी अब दोबारा एक कप और साथ देखते रहिएगा. और प्लीज थोड़ा सा प्यार देखें आज तक फिलिस्तीन के आजकल क्या हालात चल रहे हैं. हम वहां तक तो नहीं पहुंच सकते, उन मासूम बच्चों के साथ आजकल क्या हो रहा है, जंग के क्या हालात है. तो इसी तरह आपके करीब में या आपके घर में जो बच्चे हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्यार करें, ये लम्हे वापस नहीं आने, बाद में सिर्फ पछतावा आ जाएगा. बहुत शुक्रिया, देखते रहे, मिलते रहे, मुस्कुराते रहे और मुस्कुराते बखेरते रहे. बहुत शुक्रिया. कमलातु थैंक यू, कमलातु थैंक यू, थैंक यू. चलो ठीक हो गया, अब एंड करते हैं चीजों. ठीक.